न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से कबल भारतीय टीम को शदीद धचका ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इंजरी के बायस मैच से बाहर हो गए हैं हार्दिक पांड्या बांग्लादेश के खिलाफ मैच में की इंजरी का शिकार हुए इंजरी से छुटकारा पाने के लिए ऑलराउंडर को कम से कम एक हफ्ता दरकार होगा जिसके बायस वो किसी टीम के खिलाफ मैच में हिस्सा नहीं ले सकेंगे उनकी जगह सूर्या कुमार यादव या ईशान किशन को प्लेइंग इलेवन में शामिल किए जाने का इम्कान है क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज दो मैच खेले जा रहे हैं पहले मैच में की श्रीलंका के खिलाफ बैटिंग जारी है लखनऊ में खेले जा रहे मैच हुआ अड़तालीस के मजमुई स्कोर पर दोनों पवेलियन लौट गए विक्रमजीत सिंह ने चार और मैक्साउट ने सोलह रन बनाए कॉलिन एक्रम उन्तीस रन बनाकर चलते बने बॉस डी लीड छो और स्कॉट एडवर्ड सोलह रन बनाकर आउट हुए आज के दूसरे मैच में इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें दिन डेढ़ बजे में आमने सामने में भारत और ने चार -चार की, की आठ पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर है भारत के भी आठ पॉइंट्स हैं तहम रन डेट की बुनियाद पर उसकी दूसरी पोजिशन है चार पॉइंट्स के साथ जनूबी अफ्रीका तीसरे नंबर पर मौजूद है ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान को हराने के बाद चौथे नंबर पर आ गई पाकिस्तान पांचवी पोजीशन है इंग्लैंड की टीम छठे बांग्लादेश सातवें नंबर पर है नेदरलैंड की टीम आठवें अफगानिस्तान की टीम नवे नंबर पर है अब तक फता से महरूम श्रीलंका अपने तीनों मैचेस हारने के बाद आखिरी नंबर पर मौजूद